सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अभी यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते होंगे अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे। दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अभी फिलहाल सोच रहे होंगे 2018 में अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं दोस्तों आपसे इन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर भैया मेरी तरफ से क्या होगी आपके लिए सलाह अगर आप दोस्तों एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जो अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था वो किया था अक्टूबर 2015 में, और ऐसे में दोस्तों करीब पिछले 2 साल से YouTube पे वीडियोस डाल रहा हूँ। मुझे हालांकि इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन दोस्तों जो भी मैंने सीखा समझा जाना है YouTube के बारे में उसी के चलते आपके साथ में एकदम ब्लंट दोस्तों एडवाइस मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। आपको मैं एकदम पैम्पर नहीं करूंगा, मैं आपको दोस्तों बताऊंगा बिल्कुल सच जो कि मैंने महसूस किया, और शायद आपको उससे मदद मिलेगी अगर आप दोस्तों नया चैनल शुरू करना चाहते हैं कि आपको क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों ज्यादा बात है टिप्स की, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे वैसे भी पूछा है और कई बार आप पूछते रहते हैं कि आखिर अगर आप YouTube पे आते हैं, अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं, तो यार वहां पे क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वीडियो पे व्यूज कैसे बढ़ाएं, चैनल पे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं। तो शायद दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है कंप्लीट गेम YouTube का और आप इसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं। मेरी तरफ से एकदम फ्रैंक एडवाइस क्या होगी आपके लिए अगर आप आना चाहते हैं YouTube पे। दोस्तों पहली बात तो यह है कि आप आना क्यों चाहते हैं। अगर यह किसी की देखा देखी है, अगर यह किसी की नकल है, अगर यह सिर्फ ऊपर ऊपर से कि हाँ ठीक है मेरा दोस्त YouTube करता है मैं भी YouTube करूंगा वगैरह वगैरह, तो मत आओ YouTube पे दोस्तों, कोई सेंस नहीं बनेगा। आप आ जाओगे 2-4 महीने आप काम भी कर लोगे, बाद में जो है वो इतना मजा नहीं आएगा, तो बाद में मतलब ना इधर के ना उधर के। लेकिन अगर दोस्तों आपके दिल में वाकई में ऐसी कोई चीज है, अगर आप सोचते हो समझते हो कि हाँ यार मेरे को ये काम करना आता है, काफी अच्छे से करना आता है, या फिर ऐसा मैं कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता हूं और वो बाद में जो है वो कंटेंट में शेयर करूंगा पूरी दुनिया को इंटरनेट के जरिए, तो वहां पे दोस्तों आप YouTube पे आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, कोई इसमें डाउट नहीं है। आप बिल्कुल बिना किसी इंतजार के जितना जल्दी हो सके उतना YouTube पे आ जाओ, ग्रोथ होगी पक्का पक्का, आज नहीं तो 6 महीने के बाद में होगी, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। दोस्तों यहां पे जो दूसरा एक बहुत ही मेजर पॉइंट निकल के आता है, ये मेरे को एक मैसेज कन्वे करना बहुत जरूरी था। आप में से बहुत सारे फिलहाल अभी यंगस्टर्स हैं और आपके पेरेंट्स के मेरे पास में ईमेल्स भी आते हैं कि आप दोस्तों मान लीजिए 8th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, 12th में है, कॉलेज वगैरह में है, और आप जो है वो सोचते हैं कि भैया मैं तो एकदम बस यूट्यूबर बनूंगा, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, यूट्यूब में तो बहुत पैसा है, पैसा कमा लूंगा, डॉलर आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो यहां पे मेरे भाई आपको इसके लिए पढ़ाई वगैरह जॉब वगैरह कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप YouTube जो है वो एकदम पार्ट टाइम स्टार्ट करो। आपको वीडियोस बनाने के लिए क्या चाहिए यार, हफ्ते में एक दिन चाहिए, संडे के दिन आते दोस्तों बनाओ वीडियोस, सुबह बनाओ, रात में बनाओ, जब फ्री होते हो तब बनाओ। आप इसको एज अ हॉबी स्टार्ट करो, एज अ पार्ट टाइम थिंग स्टार्ट करो। कभी भी YouTube पे इतना फोकस मत कर दो कि आप दोस्तों अपनी बाकी लाइफ को भूल जाओ। इनिशियल डेज में आप केवल टेस्ट कर रहे हो कि YouTube आपके लिए है या फिर नहीं है, अगर आपको क्या इसका रिजल्ट मिल रहा है, आगे चल के बाद की बातें दूसरे, लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो यार अपनी स्टडीज वगैरह को, वरना इधर अगर परफॉर्मेंस अच्छी निकली दोस्तों उधर परफॉर्मेंस अच्छी निकली, मतलब खुद को रिलेज कर जाओगे YouTube के चक्कर में, तो प्लीज ये काम भी मत करो। दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं चैनल कैटेगरी की, कि कौन से कैटेगरी का चैनल स्टार्ट करना चाहिए। मतलब बहुत से लोग दोस्तों बोलते हैं कि यहां पे फॉर एग्जांपल टेक में ज्यादा पैसा है, या फिर एंटरटेनमेंट में इतना पैसा नहीं है, या फिर कॉमेडी में थोड़ा कम रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू को भूल जाओ यार, दिमाग से निकाल दो रेवेन्यू की 1000 व्यूज पे कितने डॉलर्स मिल रहे हैं, एडसेंस का पेमेंट कब आएगा, मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल कब होगा, डिसेबल का, उसको सबको दिमाग से निकाल दो। आप ये समझ लो कि आपको YouTube एक ऐसी शक्ति दे रहा है कि आपकी जो वीडियोस हैं वो इंटरनेट पे कोई भी देख सकता है, बस पैसा मिल रहा है वो बोनस है, उसको आप मेन चीज मत बना के दोस्तों आगे लेके आओ, वरना आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे जब आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है वो मतलब काम कर रहे हो लेकिन जो अर्निंग्स है वो उस रेशियो में नहीं आ रही है, बिकॉज दोस्तों इसको आने में टाइम लगता है। तो इनिशियल डेज में भूल जाओ पैसे के बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने इस बात पर फोकस करो कि आप कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट कर रहे हो सामने व्यूअर्स को। और ऐसे में दोस्तों कभी भी इस बात पे यानी कि पैसे की बात पे अपने चैनल की कैटेगरी को स्विच मत करो, काम वही करो जो आप दिल से कर सकते हो, जिसका आपको इंटरेस्ट है, जो एक अंदर से आवाज आती है ना उसको दोस्तों सुनो। यहां पे किसी का देखा देखी, चाहे कोई कॉमेडी है, कुकिंग है, चाहे दोस्तों चाहे कोई व्लॉग्स हैं, चाहे कोई टेक चैनल है, चाहे दोस्तों यहां पे एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है वगैरह वगैरह, प्लीज किसी को ऐसे फॉलो मत करो।
अपनी तरफ से कुछ नया कुछ क्रिएटिव लेके आओ, तब दोस्तों लोग आपको जरूर पहचानेंगे। अब यहां पे मैं आपसे बात करता हूं एक और की गियर की, कौन सा कैमरा, कौन सा लैपटॉप, कौन सा लेंस, मतलब बहुत दोस्तों सारे सवाल निकल के आ जाते हैं। और ऐसे में ना वही मतलब होता है कि यार पहले मैं सारा एक स्टूडियो बनाऊंगा फिर वीडियो बनाऊंगा। अरे यार एक बात आप ये समझो कि आप इसको एज ए हॉबी कर रहे हो, और आज के डेट में आपके मोबाइल फोन में सब में काफी अच्छे अच्छे कैमराज मिलते हैं, आपके पास दोस्तों जो माइक आता है वो बहुत सस्ते मिलते हैं मार्केट में। मैं खुद जो माइक यूज करता हूं ये इंडिया में 1500 रुपए का मिलता है, दुबई में 400 रुपए का मिलता है। तो ये दोस्तों जो माइक है काफी ठीक है उस बजट के हिसाब से। कैमरा जो है वो अपने आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपनी शुरुआत की बहुत सारी वीडियो अपने फोन के फ्रंट कैमरा से बनाई है। ऐसे में ट्राइपॉड दोस्तों जो मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं, 100, 150, 200, 300, आप बेसिक सेल्फी स्टिक से वीडियोस बना सकते हो। तो ऐसे में गियर पे फोकस मत करो, कंटेंट पे फोकस करो। यहां पर दोस्तों अगर आपकी वीडियो में दम होगा तो लोग उसको जरूर देखेंगे, वो सिर्फ इस बात पर डिसलाइक नहीं करेंगे कि जो कैमरा है उसके अंदर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फिर जो ऑडियो है वो थोड़ा सा खराब है, ऐसा नहीं है। आप दोस्तों इनिशियली बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से कुछ 1500-2000 रुपए के आसपास अगर आप करते हैं इन्वेस्ट, तो आप जो है वो यूट्यूब पे आ सकते हैं। वीडियोस को आप आउटडोर शूट करो, डे लाइट में शूट करो, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, ये मत सोचो कि डे वन पे मैंने कैमरा में इन्वेस्ट कर लेना है, डे वन पे मैंने लाइट्स खरीद लेनी है, मैंने सब कुछ इतना तामझाम ले लेना है, उसके बाद में वीडियोस बनाऊंगा और व्यूज नहीं आएंगे तो मतलब मैं तो खुद हो गया परेशान निराश। तो दोस्तों ये काम कभी भी मत करो। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं अपलोड फ्रीक्वेंसी की, कि वीडियो जो है वो क्या स्टाइल में आपको अपलोड करनी है, रोज का एक करना है, हफ्ते का एक करना है, वगैरह वगैरह। तो यहां पर दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वीडियो जो है वो हफ्ते का एक अपलोड कर रहे हो, कि हफ्ते के 50 कर रहे हो, कि महीने के 200 कर रहे हो। यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जितना भी दोस्तों एक अपलोड फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हो वो आप जितना लंबा समय हो सके उतने लंबे समय तक आपको उसको मेंटेन करते रहना है। तो यहां पर दोस्तों बात ऐसी है कि अगर आप कमिट करते हो अपने व्यूअर्स को कि आपको भैया हफ्ते में एक वीडियो मिलेगा, या आपको हफ्ते में दो वीडियो मिलेंगे, या आपको दिन के दो वीडियो मिलेंगे, तो आप दोस्तों चीज को डिलीवर करो। और डिलीवर करने के चक्कर में घास मत काटो, अपने आप को पहले एनालाइज करो कि यार आपके लिए क्या इजी है, आप जो है वो कितना डिलीवर कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों एक पैटर्न लेके आओ और फिर आप आ जाओ यूट्यूब में। अब मैं आपसे बात करता हूं वीडियो आइडियाज की। हमको बनाना है टेक चैनल, हमको बनाना है कॉमेडी चैनल, दोस्तों हम यहाँ पे कैसे आइडियाज निकालें? तो भैया पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आपके पास में डे वन पे आने वाली कम से कम 10-12-20 वीडियोस के आइडियाज ऑलरेडी होने चाहिए। ये ना हो कि एक वीडियो बना ली वो तो अच्छी बन गई, वो तो एक दिमाग में आइडिया था, दो दिन के बाद में वापस ब्लैंक हो गया, यार अब क्या बनाऊं, अब तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों चैनल जाएगा पानी में अगर आप ऐसा काम करोगे। तो प्लीज अपनी वीडियोस के आइडियाज को एडवांस में थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते रहो, और अगर हो सके तो जो चीजें चल रही हैं ट्रेंड में, जो आजकल जिसके बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं, जो इंटरव्यू ज्यादा लोग सर्च करते हैं, जिसके अंदर लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, उस टाइप का कंटेंट दोस्तों पोस्ट करो, वो किसी भी कैटेगरी का हो। आज की डेट में क्या हो गया है ना कि यूट्यूब स्पेशली इंडिया में कुछ 4-5 बस कैटेगरीज में सिमट के रह गया है। वहां पे टेक आ गया है, एंटरटेनमेंट आ गया है, कॉमेडी आ गई है, म्यूजिक आ गया है, कुकिंग आ गई है, व्लॉग्स आ गए हैं, बस खत्म। लेकिन दोस्तों यहां पे वैरायटी है, आप बहुत सारे बहुत बहुत सारे काम कर सकते हो यार। दुनिया में दोस्तों तरह तरह के ऐसे चैनल्स हैं जो अपने एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पकड़ के बैठे हैं, और वहां पे उनके पास में कमाल के ऑडियंस है, वहां पे कमाल के व्यूअर्स हैं। तो आपको ऐसे में अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाल के लेके आना है, जो कि मतलब एकदम यूनिक हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दोस्तों कैरीविनाती जो है वो गेम प्ले से स्टार्ट किया था, जहां पे वीडियो में वॉइस ओवर था और गेम प्ले था। आज के दिन में आपको वैसे सिमिलर पैटर्न बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको देखना है कि आप कुछ अलग क्या कर रहे हो। अभी भुवन दोस्तों जो स्टाइल है बीबी की वाइंस, जहां पे वो मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, अपने हाथ से वीडियो शूट करो, आपको वो स्टाइल सेम बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो यहां पे बीबी की वाइंस तो एक ही है ना, कैरेक्टर तो एक ही है ना इंडिया में। तो आपको ये देखना है कि आप एक्स्ट्रा क्या नया लेकर आ रहे हो जिससे लोग आपको याद रखें। इसके अलावा दोस्तों यहां पे डे वन पे आप जिस दिन अपना चैनल स्टार्ट करते हो उस दिन इसकी ब्रांडिंग करो अच्छे से ऑल अक्रॉस। जल्दबाजी में काम मत करो, डे वन पे आपके पास में होना चाहिए अकाउंट सेम नाम का इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वगैरह वगैरह, ताकि अगर आप बात करते हो आज से मान लीजिए 6 महीने बाद की, तो उस टाइम पे आपके पास में एक अथॉरिटी हो कि आप चारों तरफ ऑल अक्रॉस अवेलेबल हो अपने एक सिंगल यूजर नेम के साथ में। दोस्तों इसके बाद में आपसे अगर मैं बात करता हूं कि यार पैसा कैसे मिलता है, तो यार पैसे की बात देखो ऐसी है कि YouTube में आप पैसा कमा सकते हो, काफी अच्छा कमा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके व्यूज कितने आते हैं। और जहां तक बात है ना व्यूज कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए आपको काम करना है, और काम के अलावा कोई और शॉर्टकट है ही नहीं। आपको वीडियोस बनानी है, अपना पैटर्न आप जो है फॉलो करते रहो, आप चाहे महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में देखेंगे कि जो व्यूज है वो अपने आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे आपकी। क्या पता कोई एक वीडियो वायरल निकल जाएगी, आपको बस एफर्ट लगाना है। और एफर्ट दोस्तों तभी निकलेगा जब आप इस चीज को जेन्युइनली पसंद करते हो। अगर आप जबरदस्ती फॉर द सेक ऑफ इट काम करो तो कैसे काम चलेगा। यहां पे अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है तो आप काम भी करोगे, आपको अगर 100 व्यूज भी मिल रहे हैं तो आप वो 100 व्यूज देख के भी काफी खुश होगे। ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ 100,
यस इनिशियल डेज में सभी के 100 आते हैं ना, डे वन पे किसके मिलियन व्यूज आते हैं, तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसे में इनिशियल डेज में इंसर्शन के बारे में मत सोचो कि जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो रहा है, डिसेबल हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सब बाद की बातें हैं दोस्तों। 50 और रास्ते हैं पैसा कमाने के यूट्यूब पे या किसी भी और तरीके से, तो ये काम जो है ये आप फॉलो करो। और ऐसे में बेसिक टिप्स हैं इसमें, पहली बात तो ये है कि अपनी पढ़ाई के साथ में या नौकरी के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो यूट्यूब को लेके। डे वन पे हज़ारों लाखों का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान मत करो, अपने कंटेंट पे फोकस करो। यही घुमा घुमा के बातें मैं बताता रहता हूँ, कंसिस्टेंसी से काम करो। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा काम रह के काम करो, इतना एकदम हाइपअप मत कर दो चीज़ों को, इतना अपने आप अंदर से मत सोच लो कि यार ऐसा वैसा वैसा, तसल्ली से ठंडे दिमाग से आपका इंटरेस्ट दोस्तों है, आप आओ यूट्यूब पे बनाओ वीडियोज़, बहुत कमाल रिस्पॉन्स मिलेगा। इनिशियल डेज पे मैं कैलकुलेटर पे गिनता था कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो फेज सबके साथ में होता है, वो फेज सबके साथ में होता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वीडियोस बनाओगे, आप वीडियोस पुश करोगे। तो ऐसे में बस यही दोस्तों कुछ बेसिक टिप्स हैं, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे कुछ कंटेंट में दम नहीं है, लेकिन वो बस यूट्यूब पे आ गए, वीडियोस ऐसे देखे लगता है कि जबरदस्ती वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब वो वीडियोस रिकॉर्ड करने में ना उनको अंदर से मजा नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज ऐसा मत करो। और अगर आप इसको अपने हॉबी की तरह करते हो ना, अगर आप इसको ऐसा करते हो कि मतलब मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, सुबह शाम कभी कभी कर रहा हूँ, वीकेंड्स वगैरह पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पेरेंट्स आपके फैमिली मेंबर्स भी इसको सपोर्ट करेंगे, कोई इसके लिए मना नहीं करेगा। मना तब करते हैं जब आप जो है वो पढ़ाई लिखाई सब त्याग के आ जाते हो भैया यूट्यूब की, मैं तो भैया यूट्यूब 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 करूंगा, वो नहीं होता है। आपको देखना है कि आप कैसे बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, और ऐसे में इसको एज अ हॉबी डेवलप करोगे, एज अ गेम खेलते हो तो मजा आएगा यहाँ पे, और आपके सब्सक्राइबर्स ही बढ़ने वाले हैं, व्यूअर्स ही बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडिया में 2017 में ऐसे बहुत सारे चैनल्स थे जो कि बहुत से आगे ग्रो होके निकले, यहां पे बहुत कमाल क्रिएटर्स निकल के आए, काफी यूनिक आइडियाज दोस्तों जो है वो लोग लेके आए। तो ऐसे में आइडियाज और बहुत सारे हैं, कुछ अलग करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में लोग आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे दोस्तों, करेंगे आपको पसंद। तो ये कुछ एकदम बेसिक टिप्स हैं। बाकी जो मेन बातें हैं ना, वीडियो का थंबनेल अच्छा रखना चाहिए वो सबको मालूम है, वीडियो का टाइटल अच्छा होना चाहिए वो सबको मालूम है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों अच्छी डिटेल्स लिखो वीडियो के बारे में, अच्छे आप जो इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स हैं, जो एकदम कैची कीवर्ड्स हैं जो उस वीडियो से रिलेवेंट है वो वहां पे लगाओ, तो वो सब बातें तो बेसिक हैं। एडिटिंग वगैरह सारे काम एक मोबाइल फोन में हो जाते हैं, तो यहां पे आपको नहीं तो लैपटॉप चाहिए इसके लिए, नहीं आपको इसके लिए कुछ और एक एडिटिंग मशीन चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए, खाली एक फोन होगा तो वीडियो दोस्तों बन के तैयार होती है यूं मक्खन यूट्यूब के लिए। तो बस लग जाओ काम पे अगर आप करना चाहते हो तो। और अगर लग रहा है ना कि यार मैं क्यों कर रहा हूं, कभी अगर सवाल करते हो ना कि मैं क्यों कर रहा हूं या मतलब क्या है, तो ये आपके लिए नहीं है, मत करो, कुछ और काम करो। YouTube दुनिया में इकलौता ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा और 50 तरह के ऑप्शंस हैं। वीडियो क्रिएशन दोस्तों जो है वो सिर्फ एक हिस्सा है, ऐसे में आप क्या पता आपका टैलेंट किसी और चीज में, क्या पता कुछ और काम करोगे। तो बस ठंडे दिमाग से सोचो समझो फिर आओ YouTube में दोस्तों, लगाओ एक लंबी छलांग, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारे रिकॉर्ड तोड़ के निकल जाओगे बहुत बहुत आगे। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।